अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिशरा और आप देख रहे हैं बिशराज कोचिंग। तो आज हम लोग एक न्यू क्वेश्चन पीडी का लेकर आए हैं जिसमें हमें कहते हैं कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्फीयर ऑफ रेडियस लैम्डा हैविंग द सेंटर इन एक्स वाई प्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। एज यू नो दैट हमारे पास जो स्फीयर का इक्वेशन है वो क्या होता है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एज वी नो x माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड माइनस सी, ये प्लस है, प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। वी नो द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, एज वी नो यहाँ पर लिख देते हैं द इक्वेशन ऑफ SPHERE स्फीयर। तो हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर का तो पता है, बट हमें यहाँ पर क्या है, एक्स वाई प्लेन का स्फीयर चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वी नो यहाँ पर लिख देते हैं एज वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज दिस। नाउ x माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वेयर प्लस ये हो जाएगा z माइनस ज़ीरो होल स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ a और b की बात की गई है, c की बात नहीं की गई। तो हमारे पास जो c है वो ज़ीरो हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वेयर आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे कि बात हमारे पास की गई है x और y की, तो हम लोग यहाँ का क्या करेंगे, जो c है हमारे पास वो ज़ीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो यहाँ पर लिख देते हैं पार्शियली PARTIALY पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन a विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, सबसे पहले x से करेंगे फिर y से करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो सबसे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x माइनस a। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज ये y है और हमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2z एंड साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल डी जेड बाय डी एक्स इक्वल टू ये r का क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस a और इसको हम लोग उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2z। और हमें पता है कि जो पार्शियल डिफरेंशिएट यानी कर्ल z बाय कर्ल x हमारे पास होता है p के इक्वल, तो यहाँ पर हम लोग इसके बजाय p लिख देंगे। ठीक है, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा x माइनस a एंड माइनस z p। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग 1 का नाम दे देंगे। अब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो फर्स्ट है x ये ज़ीरो हो जाएगा एंड यहाँ पर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2, ज़ीरो भी लिख देते हैं, प्लस 2 वाई माइनस बी एंड प्लस z क्या हो जाएगा, 2 ये z हो जाएगा एंड कर्ल z बाय कर्ल y हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2y माइनस b एंड इसको उधर भेज देंगे तो 2z एंड हमें पता है कि जो कर्ल z बाय कर्ल y होता है ये हमारे पास q के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लोग q लगा देंगे एंड माइनस ऑफ कोर्स ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा y माइनस b इज इक्वल टू माइनस जेड क्यू, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पुट करेंगे इक्वेशन ए में। ठीक है ना, तो यहाँ पर इक्वेशन ए को रखते हैं ताकि हम लोग को पता चले। तो यहाँ पर लिख देते हैं पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो चलिए जहाँ पर x माइनस ए है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, x माइनस था, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस जेड पी होल स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंड प्लस फिर y माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस जेड क्यू होल स्क्वेयर एंड प्लस z की वैल्यू क्या थी, देखें तो z हमारे पास ज़ीरो है तो ये क्या हो जाएगा, z पे होल स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है, अब ये हमारे पास चीज़ें कंटिन्यू हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ प्लस माइनस कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से जेड कॉमन ले लेंगे जेड स्क्वेयर, तो जेड स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, देखिए माइनस है ना, तो जब स्क्वेयर पे माइनस लगते हैं तो पॉजिटिव आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, पी स्क्वेयर एंड यहाँ पर क्या रह जाएगा, प्लस क्यू स्क्वेयर एंड यहाँ पर 1। तो ये हमारे पास आ गया है हमारा जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है विद रेडियस लैम्डा हैविंग द सेंटर इन एक्स वाई प्लेन। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, यानी इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।